नमस्ते जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप बैंगन को गैस के ऊपर या किसी के भी ऊपर भरता बनाने से पहले सेकते हैं तो उनका छिलका आसानी से कैसे उतर जाए वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर दोनों बैंगन को गैस पर सेक दिया है और अब इसका छिलका आसानी से कैसे उतारा जाए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेकने से पहले मैंने इसके चारों तरफ घी घी लगा दिया था और ये इसका छिलका कैसे आसानी से उतर जाए वो बताऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर ये ठंडा पानी लिया है और इसे मैंने अभी अभी सेका है। तो मैं इसको इस डूबते पानी में इसे डुबा दूंगी। इसी तरह से इसे 5 मिनट के लिए इसी के अंदर छोड़ दूंगी ताकि हमारा जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। तो यही तरीका आपको अपनाना है, आपको अपने बैंगन को सेकना है और सेकने के तुरंत बाद आपको ये पानी में डालना है और आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा और वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इन बैंगन को इस पानी में डुबो दिया था और आप देख सकते हैं, और अब मैं ये बड़ी आसानी से इस छिलके को उतार दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि पानी में डालने के बाद हमारे बैंगन का जो छिलका है वो बड़ी ही आसानी से उतर गया है। और इसी तरीके से आपको अपने भरता बनाते समय अपने बैंगन को पानी में डालना है और इसका छिलका बड़ी ही आसानी से उतारना है। इसी तरीके से हमें दूसरे बैंगन को भी कर देना है। और आप जब भी बैंगन का भरता बनाएं इसे पानी में डालें और बड़ी ही आसानी से छिलका उतारें। तो इसी तरीके से आपको ये तरीका अपनाना है।